नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर गुलाबी नगरी जयपुर से देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, आपको बता दें, जहां एक बार फिर से चाट ग्रुप विवादों के घेरे में आ गया है। जी हां, चौक रोड पर एक और अवैध टाउनशिप का निर्माण सामने आया है, वहीं जिसमें 275 बीघा जमीन की हाल में ही खरीद फरोख्त हुई है, जबकि 31 बीघा के अलग अलग फेज में टाउनशिप बेची जा रही है। ऐसे में जेडी और रेरा की चुप्पी पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, बता दें कि चाट ग्रुप की श्रीपदम रेजिडेंसी इन दिनों चर्चाओं में है, जिसमें चाक्षु क्षेत्र की थूनी तहसील में जयलालपुरा में टाउनशिप बेची जा रही है। मामले की बात करें तो इस टाउनशिप में खसरा नंबर 74-75-403/77 से लेकर 431/212 तक की जमीन जेडीए से नक्शा पास कराई और बेची जा रही है। ग्रुप के एमडी सुनील कुमार, नरेश कुमार यादव बिना जेडीए और रेरा की परमिशन के खुलकर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, या यूं कहें कि सरकार और जनता की आंखों में सीधा सीधा धूल झोंक रहे हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। न्यूज 21 ने इस मामले में चाट ग्रुप के एमडी नरेश यादव और डायरेक्टर सुनील यादव से वर्जन जानना चाहा, तो इस पर एमडी और डायरेक्टर ने ये कहकर बचने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, जबकि चाट ग्रुप बिना नक्शे के जेडीए स्वीकृति के प्रोजेक्ट बेच रहा है, और तो और बिना रेरा की अनुमति के भी ऊंचे दामों पर प्लॉट्स भी बेचे जा रहे हैं। मतलब साफ है कि राजधानी में बिल्डर्स नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं टाउनशिप में 70% ब्लैक मनी लगाने का भी विशेष ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स को जमकर चूना लगाया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में जेडीए रेरा क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तो जयपुर में जेडीए और रेरा का दबदबा खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं न्यूज 21 कर रहा है स्टिंग में बड़ा खुलासा। खुद एमडी और डायरेक्टर कर रहे हैं घाल मेल। आपको बता दें, चार ग्रुप के भाकरोटा में किंग्स रेजिडेंसी में भी चल रहा है 70% ब्लैक मनी का बड़ा खेल। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उसमें आपको जो है इसका प्लॉट का एग्रीमेंट आपको, जैसे अपना अप्रूव होकर के ना आएगी, आप ही तुरंत जो है पट्टे डायरेक्ट आपके नाम से ले जाएगा, तो फिर इसका ये एग्रीमेंट फिर फाइल किया जाएगा। टॉम रोड वाले जी, अब जैसे ये केस है, इसमें तो कोई भी कभी कोई जीडी पट्टा डायरेक्ट नहीं बना। सुनो, इसमें से है ना, किंग्स में से जो अपन ने डिसाइड करा ना, अब मेरे को केवल ये दो प्लॉट का ही इसमें करो, बाकी इधर माल रखो, बाकी इधर इधर मैं इसमें कर लूंगा इनिशियल स्टेज पे। टॉप रोड वाली पे कदम श्री के नाम है जी, उस पर डाल दो, क्योंकि वो ज्यादा इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टमेंट रेशियो से मेरे को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन नई ग्रोइंग है ना मेरी, अपन थोड़ी जल्दी में दिखा रही सुबह मॉर्निंग का प्लान है ना, एक रूम में सही से करना, आप दोनों को दिक्कत नहीं।